हेलो एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, MJPIU के द्वारा पिछले 2 वर्षों में NEP को एडॉप्ट किया गया है और NEP के बाद जो है उसने अपने UG के सभी रेगुलर कोर्सेज का सिलेबस चेंज कर दिया है। UG में आपको अब एग्जाम पैटर्न भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और UG के सभी रेगुलर स्टूडेंटों का एग्जाम पैटर्न है सेमेस्टर वाइज। साथियों, अब ये तो थी रेगुलर स्टूडेंटों की बात, रेगुलर स्टूडेंटों को सभी सपोर्ट भी कर रहे हैं, परंतु आप टेंशन मत लीजिएगा, कॉमर्स की दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सपोर्ट टू सपोर्ट का सिस्टम चलता है। हम रेगुलर स्टूडेंटों के लिए भी वीडियो बनाते हैं, तो प्राइवेट स्टूडेंटों को कैसे भूल सकते हैं साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, क्या MJPIU में BCom प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए सिलेबस में कोई चेंजिंग की गई है क्या? जी हाँ साथियों, प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, केवल मात्र इतना सा है कि जो सिलेबस आपका नॉर्मल BCom स्टूडेंट के रूप में आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि आप तो नए हैं तो आपको इस विषय में कुछ जानकारी नहीं होगी, परंतु मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस MJPIU पहले अपने रेगुलर स्टूडेंटों के लिए लाती थी वही सिलेबस आपका प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए रहेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ MJPIU के फर्स्ट ईयर के प्राइवेट स्टूडेंटों का एग्जाम सिलेबस। साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्स रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में बता दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, साथ ही साथ अपने एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर एग्जाम्स रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज हैं, साथ ही साथ आपके सभी सब्जेक्टों की वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकती हैं। तो साथियों, मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी वीडियो को और आप यहाँ पर देख सकते हैं MJPIU BCom फर्स्ट ईयर सिलेबस फॉर प्राइवेट स्टूडेंट। साथियों, प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आपको बता दूं BCom फर्स्ट ईयर में आपको 3 ग्रुप दिखाई देंगे, ग्रुप ए बी सी। ठीक है साथियों, ग्रुप ए बी सी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे पहले भी जो रेगुलर स्टूडेंट थे और प्राइवेट स्टूडेंट थे वहां पर कोई डिफरेंस नहीं था, यही सिलेबस पहले प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए रहता था। BCom फर्स्ट ईयर के ग्रुप ए में आपको 2-2 एग्जाम मिलेंगे, एक ग्रुप में आपके 2 एग्जाम होंगे। ठीक है साथियों, और इन 2 एग्जाम में क्या होगा, हर एक एग्जाम जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके लिख देता हूं मैं यहाँ, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही खास चीज है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या, BCom फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप ए है उसका फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। इसकी भरपूर वीडियोस हमारे चैनल पर प्रोवाइडेड है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, साथियों आपको जानकर बहुत खुशी होगी, और मैं बता दूं जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो प्लेलिस्ट बनी थी वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की थी ही साथियों। ठीक है साथियों, ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये भी आप साथ के साथ समझते चले, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है और ये थियोरेटिकल है, टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन का। ठीक, 100 मार्क्स से दोनों एग्जाम होने हैं, जिसमें आपको मिनिमम 33 तो लाने ही पड़ेंगे और दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना पड़ता है साथियों। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा, एक में आपके 25 रह गए और एक में आपके 60-70 नंबर भी आ गए तो आप उस सब्जेक्ट में बैक हो जाएंगे। ठीक है साथियों, BCom फर्स्ट ईयर के ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट साथियों, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको NEP में जो है BCom के सेकेंड सेमेस्टर में ले जाया गया है, यहाँ पर भी आपको 33 मार्क्स चाहिए। ठीक है साथियों, इसके बाद सेकंड जो इसका पेपर है वो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है साथियों, इसमें भी आपको 33 मार्क्स चाहिए। इसके बाद ग्रुप सी का फर्स्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी साथियों आपका क्या है, इसको इस सब्जेक्ट में भी आपको जो है थियोरेटिकल पोर्शन ही पढ़ने के लिए मिलेगा और ये भी आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में चला गया है रेगुलर स्टूडेंटों के। फ्रेमवर्क भी आपका थियोरेटिकल ही है और लास्ट सब्जेक्ट है आपका साथियों
बिजनेस एनवायरनमेंट जो पूरा टोटल यानी कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन हम 33 की बात नहीं करेंगे। मैं उम्मीद और विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप अगर हमारे द्वारा हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो अब तक हमने अपने चैनल से काफ़ी सारे स्टूडेंटों को बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करा करके दिए हैं। इसमें मैं अपना कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे चाहे कहीं से भी पढ़ें, आपके मार्क्स अच्छे आने ही हैं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि 65 to 70% मार्क्स आपके आ सकते हैं, ना ही मैं हाइपरबोल में ले जाता हूँ, जो और अगर आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे वहाँ पर 80% 85% नंबर आपको बोल देगा कोई भी कि 85% हमारे चैनल पर पढ़ करके आ सकते हैं, मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 70% नंबर लाने में बहुत कुछ हालत खराब हो जाएगी, 70% नंबर भी नहीं आते हैं कॉमर्स में, आते ही नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल से आ सकते हैं 70% नंबर, 75%, 75% या 80% नंबर तो आ ही नहीं पाते हैं बी कॉम में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इतना झूठ कैसे बोल देगा। एक एग्जाम आपका फिजिकल एजुकेशन होगा, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका, और एक एनवायरमेंटल साइंस का होगा, ये भी आपका एमसीक्यू होगा। तो साथियों मैं ये और बता दूं आपको, इन दोनों एग्जाम में भी अगर आप किसी में भी एक में भी फेल हो गए तो आप जो है फिर बैक लग सकती है आपकी, और उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। साथियों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न, तो वीडियो को देख करके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, अपनी आज से ही तैयारी शुरू कर दें। आज से ही अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आज से ही मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियोस में ला रहा हूं, तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। प्राइवेट हो या रेगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमर्स की दुनिया आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच।